फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक्स एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर। इसके नोट्स आपको मिल सकते हैं एट exxamm.com/14213। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कवर कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन दैट इज सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, और फिर हमने ओवरव्यू देखा था अपॉन द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कि आपके एजेंट के बेसिस पे पॉलिनेशन कैसा होता है। पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको मैंने बताया था एनिमोफिली, बाय वाटर हाइड्रोफिली, और बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जैसे हो गए बीज, बैट्स, बर्ड्स। तो सबसे पहले इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पॉलिनेशन बाय विंड, क्योंकि मोस्टली आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द मोस्ट एक्सपोज्ड टू विंड। इसलिए अगर हम एबायोटिक फैक्टर की बात करें कि एबायोटिक फैक्टर से आपको पॉलिनेशन हो रहा हो तो इसमें विंड इज मोर कॉमन एज अ काइंड ऑफ पॉलिनेटर इन कंपेयर टू वाटर। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। जब एबायोटिक पॉलिनेशन होता है तो कंपेयर टू वाटर विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन। अब आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर आपका पॉलन हैवी हुआ तो विंड उसे कैरी नहीं कर पाएगा, therefore the pollen should not be heavy, और अगर आपका pollen sticky हुआ तो it will remain stuck to the anther, तब भी आपका wind carry नहीं कर पाएगा। इसलिए ये दोनों चीजें ना हो, इसलिए वो कौन से आपके pollen grains होते हैं जो wind से carry हो सकते हैं, first they should be light, वो heavy नहीं होने चाहिए, and they should be non-sticky। और ऐसे जब हो तभी आपके wind current से ये pollen grains can be carried। अब ये तो हमने समझा कि पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, आपका जो फ्लावर है जिस पे विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेशन होगा वो कैसा होना चाहिए। अब फिर कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर आपको विंड से डिपॉजिट करना है पॉलन ग्रेन और अगर आपके एंथर्स एंड स्टिग्मा आपके एक्सपोज्ड ना हो तो आपके क्या पॉलन ग्रेन इजीली डिपॉजिट हो पाएंगे? नहीं। इसलिए आपके एक्सपोज्ड होने चाहिए एंथर एंड स्टिग्मा। आप वेल एक्सपोज्ड एंथर या स्टेमन बोलिए और स्टिग्मा बोलिए, वेल एक्सपोज्ड तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपके जो स्टिग्मा होता है, नॉर्मली देखा गया है कि जैसे प्लांट्स होते हैं जहाँ विंड पॉलिनेशन होता है इनमें फेदरी होता है। फेदरी मीन्स कि आपके जब ऐसे फेदरी आपका जो स्टिग्मा होता है तो जब पॉलन्स आते हैं तो दे गेट इजिली ट्रैप्ड ऑन द स्टिग्मा। तो हमने क्या कंडीशंस पढ़ी कि आपके विंड पॉलिनेशन सक्सेसफुली होने के लिए होना चाहिए। फर्स्ट आपका पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट, शुड नॉट बी हेवी, दे शुड बी नॉट स्टिकी। फिर आपके जो फ्लावर्स होने चाहिए दे शुड हैव एक्सपोज्ड एंथर और द स्टेमन ताकि इजीली उनसे विंड कैरी कर सके, एंड द स्टिग्मा शुड आल्सो बी एक्सपोज्ड एंड शुड बी फेदरी टू इजीली ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। देयरफॉर जो प्लांट्स होती हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, दे हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स so that the pollens are easily dispersed into the wind currents, and large, often feathery stigma. Stigma large bhi hota hai, taki pollens ko deposit hone ke liye ek bada surface area mile, and feathery bhi hota hai, taki wo aapke easily capture kar sake. Ek aur jo dekha gaya hai aapke wind pollination ke case mein, ki aise jo flowers hote hain, inki ovary ke andar ek single ovule hota hai, that is their one ovule, aur bahut sare flowers एक इन्फ्लुएंस के अंदर पैक्ड होते हैं। तो विंड पॉलिनेशन के केस में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है वो ये कि फर्स्ट एबायोटिक के केस में विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन, फिर हमारे कैसे पॉलन ग्रेन होने चाहिए, दे शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, फिर जो आपके स्टेमन होने चाहिए दे शुड बी वेल एक्सपोज्ड। तो खुद कॉमन सेंस से समझते हैं कि वेल एक्सपोज होंगे तो विंड के लिए इजी होगा इनको कैरी करने के लिए, एंड जो आपके स्टिग्मा होंगे दे आर ऑफन लार्ज ताकि बहुत सरफेस एरिया मिले पॉलन्स को डिपॉजिट होने के लिए, एंड दे आर फेदरी सो एज टू इजीली ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। और हमने क्या देखा कि नॉर्मल इन केसेस में देयर इज वन ओव्यूल इन द ओवरी, जो विंड पॉलिनेशन में दिखता है वन ओव्यूल, एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा कि इनमें देयर आर मेनी फ्लावर्स
which are packed in an inflorescence. तो आपको विंड पॉलिनेशन के केस में बेसिकली आप कॉमन सेंस से ही आपको याद रह जाएगा कि आपका क्योंकि टेस्टल फ्लावर्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एक्वेटिक फ्लावर्स एंड विंड इज मोर कॉमन एज अ मीडियम. देखो एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन. पॉलन ग्रेन्स हैवी नहीं होने चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए, आपके स्टेमेंस वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, स्टिग्मा ऑफन लार्ज होते हैं एंड फेदरी होते हैं टू इजीली ट्रैप द पॉलन्स. और जो आपके इन केसेस में देखा गया है कि जो ओवरी होती है इट कंटेन्स जस्ट वन ओव्यूल. और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं इन विंड पॉलिनेशन के केसेस में जो एक सिंगल इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं. ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज देयर आर मेनी फ्लावर्स व्हिच आर पैक्ड इन वन इन्फ्लोरेसेंस और उसमें आपके बहुत एक्सपोज्ड ये प्रॉपरली एक्सपोज्ड आपके स्टेमेंस हुए जिसे इजीली आपके विंड पॉलन ग्रेन्स कैरी कर सके. तो विंड पॉलिनेशन के हमारे एग्जांपल क्या हुए. विंड पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है कॉर्न कॉब में. कॉर्न कॉब में जो एक्चुअली आपके टैसल होते हैं दे आर नथिंग बट आपके इसे फेदरी स्टिग्मा एंड स्टेमेन होता है जो इजीली कैरी करता है आपके पॉलन्स को. एक तो हुआ कॉर्न कॉब. दूसरा विंड पॉलिनेशन बहुत देखने को मिलता है ग्रासेस के केस में. तो ये तो हमने समझा पॉलिनेशन बाय विंड. अब नेक्स्ट हम समझ रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर. आपको मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जो आपके लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट होते हैं जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स व्हिच आर नॉन फ्लावरिंग सिंस दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन अ वाटर मीडियम, इसलिए वाटर इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट्स. कि आपके जो मेल गैमेट्स होते हैं ये यूजली वाटर के थ्रू ही आपके पहुंचते हैं फीमेल गैमेट्स के पास. उसके कंपैरिजन में अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उसमें पॉलिनेशन में वाटर एक बहुत ही रेयर फेनोमेना होता है. तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स. लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उसमें आपका वाटर पॉलिनेशन इज ए रेयर इवेंट. जैसे हमने ऊपर समझाया था कि विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन और वाटर पॉलिनेशन सिर्फ आपको मोस्टली 30 जनरा में देखने को मिलता है दैट टू इन मोनोकॉट्स. तो लोअर प्लांट ग्रुप्स में वाटर एक बहुत ही कॉमन मोड होता है ट्रांसपोर्ट का ऑफ द मेल गैमेट्स. लेकिन हायर प्लांट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली ज्यादातर 30 जनरा जहाँ पे वाटर पॉलिनेशन होता है एंड वो भी मोस्टली आपके किस पे मोनोकॉटिलेडंस में. अब ये एक और आपकी थ्योरी दी गई है कि आपके ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैं ये आपको हर जगह नहीं क्यों नहीं मिलते बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. इसलिए आपको ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स आपको हमेशा वाटर सोर्स के पास ही मिलेंगे एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फार नहीं होता दैट इज दे आर नॉट स्प्रेड अफार बिकॉज वो लैंड पे ग्रो नहीं कर सकते दे ऑलवेज नीड अ वाटर सोर्स. एंड इसलिए ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट बहुत ही लिमिटेड एरियाज में आपको नियर द वाटर मिलते हैं. अब जैसे मैंने बताया था विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल था आपका कॉर्न कॉब एंड ग्रासेस, वैसे ही वाटर पॉलिनेशन किसमें होगा जो आपके वाटर में ग्रो करेंगे. वेरी सिंपल एंड वाटर में ग्रो करने वाला एग्जाम्पल हुआ जैसे वेलिसनेरिया जो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन ग्रासेस सच एज जोस्टेरा. तो आपके वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में आपका एग्जाम्पल हुआ वेलिसनेरिया और आपका हाइड्रिला, ये हुए आपके फ्रेश वाटर प्लांट्स और आपके कुछ मरीन सी ग्रास जैसे जोस्टेरा विच विल बी सी वाटर प्लांट. तो ये तो वो प्लांट्स हुए जो आपके पानी के अंदर होते हैं एंड वाटर से ही आपका आपका जो एंथर होता है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आपका मेल एंथर से आपका जो गैमीट है दैट इज पॉलन वो पहुंचता है आपके स्टिग्मा पे एंड दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर. बट जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि उन सब में आपका वाटर पॉलिनेशन हो. देयरफॉर नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. तो ये वाला जो प्लांट्स है ये मोस्टली आपके इनसाइड द वाटर मिलते हैं एंड देयरफॉर द वाटर कैन कैरी दस पॉलन्स फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर. लेकिन सारे एक्वेटिक प्लांट्स क्योंकि पानी के अंदर नहीं होते तो वहां आपका वाटर पॉलिनेशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का. इनमें जो वाटर लेवल है इसके ऊपर द फ्लावर इमर्जेस
एंड देयरफॉर यहाँ वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, रादर आपके या तो विंड या तो बायोटिक फैक्टर जैसे इंसेक्ट से आपका पॉलिनेशन होता है. तो क्योंकि आपके बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं विच द रूट्स आर इनसाइड द वाटर बट द फ्लावर्स दीज एमर्ज आउटसाइड द वाटर, और क्योंकि यहाँ पे आप वाटर से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इसलिए इन केसेस में आपका जो पॉलिनेशन का मेथड होता है दीज आर ईदर बाय विंड और बाय सम बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं द फ्लावर्स एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर. उसके कंपेरिजन में जैसे मैंने आपको बताया था वेलिसनेरिया जो आपका वाटर सरफेस है, आपका जो फीमेल फ्लावर है इट रीचेस दिस वाटर सरफेस. मैं बहुत ही एक जनरल इमेज बना रही हूँ. और जो आपका जो एक लॉन्ग स्टॉक होता है जिसके थ्रू आपका फीमेल फ्लावर इट रीचेस द सरफेस ऑफ द वाटर एंड इस सरफेस पे आपके पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं बाय द मेल फ्लावर. इस सरफेस पे आपके पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वाटर के और वो पैसिवली कैरी होते हैं टू द फीमेल फ्लावर. तो मैंने जैसे समझाया कि वाटर हाइसिंथ द वाटर लिली में तो आपके फ्लावर्स पानी के अंदर होते हैं, आपके वेलिसनेरिया के केस में द फीमेल फ्लावर जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर और इसलिए यहाँ पे पैसिवली आपके वाटर के सरफेस पे ही पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करते हैं, दैट इज दे कैरीड पैसिवली बाय द वाटर करेंट्स एंड कुछ उसमें से ट्रैवल कर रहे हैं सम ऑफ देम रीच दिस फीमेल फ्लावर एंड अंडरगो पॉलिनेशन. तो एक जो पानी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, एक जो से वाटर सरफेस पे है, और उसके कंपैरिजन में जैसे आपके सी ग्रासेस हुआ उसमें आपके जो फ्लावर्स हैं दीज रिमेन इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर ही आपका फ्लावर रहता है एंड देयरफॉर पानी के अंदर ही ये पॉलन्स रिलीज होते हैं जिसमें सम ऑफ देम रीच दीज फ्लावर्स. तो हमने तीन तरीके के एक्वेटिक प्लांट्स के एक्वेटिक फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है यहाँ. वन इन द केस ऑफ वाटर हाइसिंथ जहाँ पे फ्लावर्स आर अबव द सरफेस एंड देयरफॉर दे यूज्ड विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि पानी से तो यहाँ ट्रेवल नहीं हो सकता बिकॉज वो पानी के लेवल के ऊपर है, देयरफॉर दे यूज्ड विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन. ये आपका एग्जाम्पल हुआ जैसे वाटर हाइसिंथ का. फिर हमने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावर पढ़ा जैसे कि आपका वेलिसनेरिया जहाँ पे आपका फ्लावर फीमेल फ्लावर बाय द मींस ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड यहाँ पे वाटर करंट पैसिवली सरफेस पे ही पॉलन ग्रेन्स कैरी करता है एंड सम ऑफ देम रीचेस द फीमेल फ्लावर. एक और हमने पढ़ा इन द केस ऑफ सी ग्रासेस जैसे जोस्टर हमने ऊपर बताया था जहाँ पे द फ्लावर इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर एंड यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर and some of them reach the female flower and pollinate the flower. अब जैसे हमने ऊपर समझा था कि अगर wind pollination होता है तो इसमें pollen grains should be non-sticky and light. वैसे ही आपके water pollination के cases में भी pollen grains एक particular characteristic तरीके होते हैं and वो कैसे होते हैं? These are long and ribbon-like. जैसे आप खुद सोचिए आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे आप फिश देख लीजिए दीज हैव मोस्टली स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन इट मेक्स इट इजियर टू ट्रैवल इन द वाटर. उसी तरह आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इन द केस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स दीज आर ऑल्सो लॉन्ग एंड रिबन लाइक. एंड जब आपके पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं तो इनका वाटर पे ट्रैवल करना ईजी हो जाता है, दैट इज इट बिकम्स more convenient and easier to passively carry them on water. So wind pollination mein they are non-sticky and light and water pollination mein they are long and ribbon-like so that they are easily carried passively inside the water. And usme some of them reach the stigma, some do not. Ye toh ho gaya aapke, humne samjha ki inka shape kaisa hota hai. But kyunki ye aapke paani ke andar travel kar rahe hain, so that they do not get damaged, they are also covered by a mucilaginous covering. They're covered by what? Mucilaginous covering.
वैसे कहीं एग्स जब आपके एनिमल्स ले करते हैं पानी में, सो दे आल्सो कवर द म्यूसिलेजिनस कवरिंग, वैसे ही आपके जो पॉलन रेस होते हैं वाटर पॉलिनेशन में, सो दैट दे मे नॉट बी डैमेज्ड बाय द वाटर, दे आर आल्सो कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, एंड दिस म्यूसिलेज प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग वेट, दैट इट प्रिवेंट्स वेटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. तो वाटर पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि कैसे अलग अलग एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और उनके बाय द डिपेंडिंग कि वो पानी में कहाँ कहाँ है उनका फीमेल फ्लावर, वो जैसे वाटर हाइसिंथ में आपका विंड एंड आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, अगर वेलिस नेरा की बात करें तो वह सर्फेस पे होता है, तो सर्फेस पे ही पैसिवली पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करती है, एंड सी ग्रासेस में क्योंकि वो पानी के कहीं अंदर होता है जैसे कि ज़ोस्टेरा, सो दे आर रिलीज इन साइड द वाटर. और हमने पढ़ा कि इसमें पॉलन ग्रेन्स किस तरीके होते हैं, दे आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड सो एज टू गेट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वार्म वेटिंग दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. ये तो हमने यहाँ समझा, ये तो हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में समझा. आप फ्लावर्स के बारे में समझिए, ये जो फ्लावर्स होते हैं दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. सिमिलरली द केस ऑफ विंड पॉलिनेशन आल्सो कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए नॉर्मली जो हम फ्लावर्स देखते हैं दीज आर ब्राइटली कलर्ड एंड दीज हैव अ लॉट ऑफ नेक्टर, तो बहुत अच्छी स्मेल आती है. ये एक्चुअली क्यों होते हैं, ये होते हैं मीन्स टू ल्योर द इंसेक्ट्स, ताकि इंसेक्ट्स कलर से, उनकी स्मेल से, उनके नेक्टर से अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन करें, इसलिए फ्लावर्स नॉर्मली हमें ऐसे दिखते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे किसी भी बायोटिक फैक्टर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ऐसे जो नॉर्मली फ्लावर्स होते हैं जो आपके एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन करते हैं, बीदर बी बाय विंड और वाटर, दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट एनी बायोटिक इंसेक्ट्स और बैट्स और एनी अदर एजेंट्स, एंड देयरफॉर दीज आर नॉट कलरफुल and mostly do not produce nectar. Therefore, जो wind and water pollinated flowers होते हैं, क्योंकि उनको किसी biotic agents को attract करना नहीं होता, therefore they are not very colorful and these do not produce nectar. तो अभी तक के हमने topics cover किए वो थे abiotic factors से pollination कैसे होता है, by the ways of wind हमने पढ़ा, उसमें pollen grains कैसे होने चाहिए हमने समझा, stigma और आपके एंथर्स कैसे होने चाहिए हमने समझा, और हमने वाटर पॉलिनेशन किन किन प्लांट्स में होता है समझा, और उनमें आपके पॉलन ग्रेन्स किस तरीके के होते हैं ये समझा. अब नेक्स्ट हम बेसिक पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स बाय यूजिंग बायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन कैसे होता है. पॉलिनेशन बाय एनिमल्स या बायोटिक पॉलिनेशन में हम जो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होंगे कि कौन से एजेंट्स यूज होते हैं, दैट इज स्मॉल एंड बिग, फिर आपके फ्लावर्स कैसे होने चाहिए ताकि वो एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, और कौन से फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि आपके इंसेक्ट्स यहाँ जाके पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में इन्हें जो आपके बायोटिक जैसे बर्ड हुआ या इंसेक्ट हुआ इसको कौन सा रिवॉर्ड मिल रहा है टू कैरी आउट पॉलिनेशन, तो फ्लावर्स कौन से फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है उसके बारे में. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से एजेंट्स पॉलिनेशन कैरी करते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बायोटिक पॉलिनेशन यूटिलाइज करते हैं, तो उनमें रेंज ऑफ एनिमल्स होते हैं, दैट इज बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं. इसमें एग्जाम्पल हुए बीस, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प, एंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स. बर्ड्स में भी कौन से, जैसे हमिंग बर्ड हुआ, सन बर्ड, ये आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हुए. तो कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से हुए, बीस, बटरफ्लाइज आपने गार्डन्स में देखे होंगे, फ्लाइज एंड बीटल्स, वैस्प जैसे बीज जैसे ही होते हैं, एंट्स, मॉथ्स एंड बर्ड्स, मोस्टली हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स व्हिच आर स्मॉलर इन साइज, ये आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. ये तो मोस्टली मैंने स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स के बारे में बात की. इन स्मॉल एनिमल्स में जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उसमें पर्टिकुलरली बीज ये आपके डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. तो आपके बायोटिक में भी आपके इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दैट इज द आर्थ्रोपोडा को बिलोंग, फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करने वाले जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये सबसे कॉमन होते हैं इन फॉर पॉलिनेशन. और उसमें भी आपके बीज, हनी बीज मोस्टली आपके सबसे डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. ये तो सब हमने पढ़ा स्मॉल इंसेक्ट्स के बारे में. इवन कुछ लार्जर एनिमल्स जैसे कि कुछ प्राइमेट्स जैसे लेम्यूर्स जो प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, जो रोडेंट्स पेड़ पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग आर्बोरियल रोडेंट्स,
और इवन रेप्टाइल्स लाइक गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड ये भी कई बार आपके पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं. दैट इज इवन दे कैन कैरी पॉलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर. तो मोस्टली आपके इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उसमें भी हनी बीज एंड बीज आर द मोस्ट कॉमन एंड डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. पर कई बार लार्जर एनिमल्स हैव बीन आल्सो रिपोर्टेड टू कैरी आउट पॉलिनेशन, जैसे कि लेमियोस, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स एंड गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड. कई बार आपके जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए ही आपके वो स्पेसिफिकली एडेप्टेड होते हैं. ये क्या हुआ? तो जैसे मैंने समझाया था आपको कि आपके फ्लावर्स में एडेप्टेशन होगा फॉर एस टू अट्रैक्ट दीज पॉलिनेटर्स. अब ये अडेप्टेशन नॉर्मली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिनेटर के लिए स्पेसिफिक होता है. देयरफॉर एक फ्लावर एक पर्टिकुलर पॉलिनेटर की टाइप के लिए ही स्पेसिफिकली अडेप्टेड होता है. तो मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन जो आपको फ्लावर्स में देखने को मिलता है वो होता है लार्ज, ताकि वो पॉलिनेटर्स को ईजिली दिख जाए, द कलरफुल बिकॉज द कलर अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटर्स, द फ्रैग्रेंट, द स्मेल अट्रैक्ट्स एंड द रिच इन नेक्टर. तब याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में आपके फ्लावर्स को कलरफुल और कलरफुल होने की जरूरत नहीं होती. दैट इज मोस्टली दे आर नॉन कलरफुल एंड दे डोंट हैव नेक्टर, क्योंकि उनको किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती. वो बाय जनरली विंड एंड वाटर से ही पॉलन्स कैरी करते हैं. बट इन द केस ऑफ बायोटिक पॉलिनेटर्स आपके फ्लावर्स को इम्पॉर्टेंट है कि वो अट्रैक्ट कर सके, एंड देयरफॉर दे हैव अडैप्टेशंस वेयर दे आर लार्जर सो एज टू बी इजीली विजिबल, दे आर मोर कलरफुल, they are fragrant and they are rich in nectar. Therefore, jitne bhi zyada insect pollinated flowers hai, wo hote hain large, they are colorful, they are fragrant and they are rich in nectar. Ye aapke agar flowers small hue, ye to case hua ki aapka flower large hua, so it will be easily visible. Now the case in the case of flower are small, so a number of flowers will be packed in one inflorescence so as to be easily visible. So, agar aapka flower large hua, so it will be easily visible. And if the flowers are small, so number of flowers are clustered in an inflorescence to make them conspicuous, meaning easily visible. So, aapke kya adaptations hue? Aapke wo large honge, ya to small but present in an inflorescence, so as to make them easily visible. They will be colorful, fragrant, and rich in nectar. Aur ye jo aapke insects ya animals hue, ये अट्रैक्ट होंगे फ्लावर से बाय द कलर एंड बाय द फ्रैग्रेंस. किससे अट्रैक्ट किससे होंगे? ये तो आपकी विजिबिलिटी इंश्योर करेंगे कि लार्ज फ्लावर्स हुए या लार्ज क्लस्टर्स हुए तो दिख जाएंगे. अट्रैक्शन होगा बाय द मींस ऑफ द कलर एंड द फ्रैग्रेंस. और फ्लावर्स पे आके उनको कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा? दैट इज वो फ्लावर तक पहुंच तो गए, पर फ्लावर पहुंचने के बाद व्हाट विल दे अचीव? दे विल अचीव नेक्टर. तो अभी तक मैंने बताया कि आपके कौन से पॉलिनेटर्स होते हैं और उनमें कौन से अडैप्टेशंस होते हैं फ्लावर्स में जो आपके पर्टिकुलर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके. अब हम समझेंगे फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बारे में कि एक बार जब पॉलिनेटर फ्लावर तक पहुंच गया सो व्हाट रिवॉर्ड विल इट अचीव सो एज टू कैरी आउट पॉलिनेशन. तो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है. अगर हम बात करें फ्लाइज एंड बीटल्स की, कि मैंने बताया था कि फ्लावर स्पेसिफिकली अडैप्टेड होता है अपने पॉलिनेटर के हिसाब से. तो जो फ्लावर्स आपके फ्लाइज एंड बीटल्स से पॉलिनेट होते हैं, सिंस दे डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय गुड स्मेल्स, सो देयरफॉर दीस फ्लावर्स का अडैप्टेशन क्या होता है कि दीस प्रोड्यूस फाउल स्मेल्स. तो मोस्टली अगर कोई फ्लावर आपको फाउल स्मेलिंग दिखे, दैट मींस कि आप समझ जाना कि उनके जो पॉलिनेटर्स होंगे वो मोस्टली आपके फ्लाइज और बीटल्स होंगे. आपने देखा होगा कि फ्लाइज आपको बहुत गंदी जगह पे मिलते हैं बिकॉज दे नॉर्मली अट्रैक्टेड बाय फाउल स्मेल्स. उसी अडैप्टेशन से जो फ्लावर्स होते हैं व्हिच कैरी आउट पॉलिनेशन बाय फ्लाइज और बीटल्स, दीज आर आल्सो अट्रैक्ट, दीज आल्सो प्रोड्यूस फॉल स्मेल्स सो एज टू अट्रैक्ट दीज फ्लाइज एंड बीटल्स. अब ये तो आपका अडैप्टेशन की बात होगी. अब हम बात करते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स की. फ्लोरल रिवॉर्ड क्या हुआ? रिवॉर्ड का मतलब समझते हैं एक प्राइज. तो आपका एनिमल बार बार उस फ्लावर पे आता रहे एंड पॉलिनेशन होता रहे, इसलिए फ्लावर को हमेशा एक रिवॉर्ड या प्राइज देना पड़ता है आपके पॉलिनेटर को.
एंड मोस्टली दीज रिवॉर्ड्स आर व्हाट द नेक्टर जो आपके एनिमल को मिलता है ऑन द फ्लावर एंड द पोलन ग्रेन्स दीज आर द रिवॉर्ड्स व्हिच द एनिमल गेट्स व्हेन इट्स कैरिंग आउट पोलिनेशन. अब क्या हुआ कि एक बार आपके फ्लावर दिख गया बिकॉज द फ्लावर इज लार्ज और इट्स प्रेजेंट इन अ क्लस्टर द एनिमल सीज द फ्लावर. It will be attracted to it because of its either fragrance, good smell, bad smell or the color. फिर उसको यहाँ पे नेक्टर चाहिए या पॉलन कैरी करना है इसलिए वो उस फ्लावर पे आएगा. सो उस रिवॉर्ड को लेने के लिए फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड बी नेक्टर और पॉलन ग्रेन द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा. जो फ्लावर होगा फ्लावर के एंथर के टच पे आएगा आपका pollinator. So as to do what? So as to harvest the reward. Reward lene ke liye the animal will come to the flower and come in contact with the anther and the stigma. When it comes in contact, to aise aap is dekh sakte hain is image mein ki jaise yahan pe bee hai and bee is trying to collect the nectar. To nectar collect karte waqt aapka jo pollen grains hai jo aapko yellow yellow powdery substance dikh raha hai. The coating of pollen grains, which is generally sticky. जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके विंड पॉलिनेशन होना चाहिए तो आपके आपके नॉन स्टिकी होने चाहिए पॉलन ग्रेन्स सो दैट दे इजिली कैरीड बाय द विंड. उसके कंट्रास्ट में आपके इन केसेस में पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं ताकि दे गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर. तो एक बार जब हार्वेस्ट अपना नेक्टर या पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए इंसेक्ट आता है तो एक कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच जनरली स्टिकी गेट्स कोटेड ऑन द एनिमल पॉलिनेटर. फिर एक बार ये जो एनिमल व्हिच हैज दिस कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट इज एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. अगर ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया सो ये जो एंथर्स हैं दीज विल गेट डिपोजिशन ऑफ द स्टिग्मा एंड ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन. तो ये बहुत ही इजी था समझने में कि आपको क्या हुआ नेक्टर या कोई भी पॉलन ग्रेन व्हिच आर कॉल्ड व्हाट फ्लोरल रिवॉर्ड्स ये कलेक्ट करने के लिए द फ्लावर विल कम टू द पॉलिनेटर विल कम टू द फ्लावर. व्हेन इट कम्स टू द फ्लावर द पॉलन ग्रेन्स विल जनरली स्टिकी इन दिस केस विल कवर द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट एंड व्हेन दिस पॉलन ग्रेन्स कैरिंग इंसेक्ट विल ट्रैवल टू अनदर फ्लावर दे विल डू व्हाट दे विल डिपॉजिट दीज पॉलन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर एंड ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन. तो मैंने समझा है कॉमन फ्लोरल रिवॉर्ड तो आपका होता है क्या आपके नेक्टर एंड योर पॉलन ग्रेन्स. बट कई बार आपके इंसेक्ट को सिर्फ नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स ही चाहिए होता है इट नीड्स अ सेफ प्लेस फॉर व्हाट टू ले इट्स एग्स. That means, कई बार insects and other animals search such flowers which can provide them a safe place, जो कोई safe place provide कर सके अपने eggs lay करने के लिए. And ये safe place can also be used as a floral reward. So in some species, example Amorphophallus, the flower itself is 6 feet. आप इस image में देख सकते हैं, compared to the human being, the flower is very large. And इस flower पे the insect can lay its eggs. तो कई बार सिर्फ nectar और उनका पॉलन ग्रेन नहीं बल्कि अ सेफ प्लेस टू ले इट्स एग कैन आल्सो बी यूज्ड एज टू ल्योर द पॉलिनेटर. तो इन सम स्पीशीज द फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स. कई बार इंसेक्ट्स एंड बाकी एनिमल्स इसलिए फ्लावर पे आते हैं क्योंकि वो फ्लावर उनको ऐसी सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपने एग्स ले कर सके. इसका एग्जाम्पल आप याद रखेगा Amorphophallus. आप इस इमेज से याद रखेगा इट्स अ वेरी ह्यूज फ्लावर. And what attracts this flower to the other animals? This flower का attraction ये होता है कि it provides a safe place to lay its eggs. ये जैसा एक relationship है कि आपके safe place provide कर सके, एक ऐसा ही similar relationship आपको मिलता है moth और yucca flower के बीच में. जैसा आपको दिख रहा है ये moth है, and this is the yucca plant. तो इसके केस में क्या होता है कि yucca plant की जो ovary होती है उसके ओव्यूल सॉरी उसके लुक्यूल के अंदर आपके ये जो मॉथ है इट लेज इट्स एग. तो ये आपका मॉथ है इट डिपॉजिट्स इट्स
eggs inside the locule of the ovary and deposit करते वक्त आपके ये जो insect है, it pollinates the flower. That is, it carries this pollen. It either brings the pollen to the stigma or carries the pollen from its anther. तो आपके ovary के locule में आपके जो moth है, उसने आपके eggs लेके और deposit करती है. फिर जैसे-जैसे आपका पॉलिनेशन होगा और आपका फर्टिलाइजेशन से एक सीड बनेगा तो जैसे आपके सीड्स डेवलप होंगे उसी के साथ साइमल्टेनियसली आपका लार्वा निकलेगा एग से. तो समझ रहे हैं कि इसमें प्लांट का डेवलपमेंट और इंसेक्ट का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होता है एंड देयरफॉर इनका जो लाइफ साइकिल है इट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कि सीड डेवलप करने के लिए आपको पॉलिनेशन कराना होगा जो आपका मॉथ कराएगा और मॉथ में लार्वा बनने के लिए आपको उसको लोक्यूल में डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड देयरफॉर दिस लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एंड यहां पे क्यों डिपेंडेंट होता है? बिकॉज़ आपका जो मॉथ है इट लेज इनसाइड द लोक्यूल ऑफ द ओवरी और वो लोक्यूल में आपका लोक्यूल में जो एग्स है उससे वो लार्वा तब निकलेगा जब आपका सीड डेवलप होगा आपकी फर्टिलाइज्ड एग से. एंड इसलिए आपका जैसे-जैसे आपका फ्लावर से सीड डेवलप होता है वैसे-वैसे ही उसके एग से लार्वा निकलता है एंड देयरफॉर दिस रिलेशनशिप व्हिच इज एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द मॉथ एंड द प्लांट युक्का. इन दिस द मॉथ एंड द प्लांट हमने क्या समझा कि दे कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकल्स विदाउट ईच अदर. तो ये आपका जो सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है लोक्यूल टू ले इट्स एग इट इज नथिंग बट व्हाट अ रिवॉर्ड फॉर द मॉथ. मॉथ क्यों आएगा इस प्लांट पे? मॉथ पर्टिकुलरली इस युक्का प्लांट पे इसलिए आएगा बिकॉज़ इट इज युक्का प्लांट इज सो अडैप्टेड दैट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर प्लेस फॉर द इंक्यूबेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एग्स ऑफ द मॉथ. देयरफॉर दिस प्रोटेक्शन इट प्रोवाइड्स इज अ फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर द मॉथ. तो हमने समझा कि जो बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं दैट इज जो आपके बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करते हैं उनके लिए फ्लावर्स पर्टिकुलरली अडैप्टेड होने चाहिए. That is, either they should be large or should be present in inflorescence. They should be colorful. They should have fragrance or foul smelling in the case of beetles and moth. Or they can be, and the thing is that they should provide nectar, which serves as a floral reward. Iske alawa, Amorphophallus and Yucca, in dono mein hi, these provide places for the insect to lay its eggs and therefore this protection for the eggs of the insect, it also functions as a floral reward. That is, plant insects ko provide karta hai safe place to lay its eggs, and isliye bhi aapke insects come to pollinate on the particular flower. Therefore, is lecture mein humne basically samjha ki aapke kaun se agents hote hain jaise pollination hota hai. Humne wind pollination ke examples samjha, unki stigma, unke anthers kaise hone chahiye ye samjha. Pollen grains non-sticky and light hona chahiye. हमने वाटर पॉलिनेशन में देखा कि कौन से प्लांट्स में होता है और नहीं होता. इसका रीजनिंग समझा कि सम आर प्रेजेंट अबव द वाटर तो वहाँ वाटर पॉलिनेशन नहीं हो सकता. वाटर पॉलिनेशन हमने समझा कि सिर्फ 30 जिनेरा में देखने को मिलता है, वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स. और उसके बाद हमने बायोटिक एजेंट से जो पॉलिनेशन होता है, बीट इंसेक्ट्स, बीट्स, बर्ड, बीट लार्ज एनिमल्स, जैसे लेम्योर्स हो गए, आपके गेको लिजार्ड हो गया, उससे समझा. फिर उसमें आपके फ्लावर्स के कौन से अडैप्टेशन होने चाहिए टू अट्रैक्ट दीज पॉलिनेटर्स, ये देखा. और इसके अलावा आपके टू से प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस टू ले इट्स एग्स, ऐसे कौन से फ्लावर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, बाय हाउ, बाय प्रोवाइडिंग देम अ सेफ प्लेस टू ले इट्स एग्स. ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो ऐसे फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, हमने उसके एग्जाम्पल्स और इन्हें डिटेल्स में समझे. तो इस लेक्चर में हमने सारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिए. इस लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.